आज भी दीदी मिल रही है, 10-10 रुपए दो इनको। ईद मुबारक। ईद खत्म हो गई लेकिन ईद अभी भी मिल रही है। इससे भी ले। थैंक यू। प्रोग्राम्स करा रही है, मैं बस कीवर्ड चेंज कर रही हूँ और ये मेरा हो पिछले वाले प्रोग्राम में ऐड कर दिया और हमारा आउटपुट आ गया। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। द नेक्स्ट डे गाइस, आज मेरा प्रेजेंटेशन है। सुबह सवेरे मेरे साथ अनहोनी हो गई है और अब पता नहीं मेरा दिन कैसे जाएगा क्योंकि मेरा बटन निकल आया है। अब मेरे को बटन लगाना पड़ेगा या फिर मैं ऐसे ही चली जाऊँ क्योंकि टाइम नहीं है। 100 नूर हैं, मैंने लगा लिया पता नहीं किन कौन से कलर से और इतनी जल्दी लगा रहा दिख भी नहीं रहा, इतनी जल्दी मैंने लगाया है। चलो चलते हैं गाइस। वाकई में मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। लाइट नहीं है, हंसा पंखे वाली बनी हुई है, सबके लिए पंखे बना के दे रही है। मेरा दिन वाकई में ख़राब है। पहले तो मैं इधर आई मेरे तैयार हो के, पहले मेरा बटन टूटा, फिर मैंने बटन लगाया, फिर मेरे को अरीबा ने बोला कि उसने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, मैंने उसको कन्विंस किया, फिर उसके बाद लाइट चली गई और फिर जब लाइट आई तो हमें प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर नहीं मिल रहा, ख़राब प्रोजेक्टर है सारे। यहाँ पे हालत बुरी हो गई है और ये लोग प्रेजेंटेशन से मना कर रहे हैं। मतलब मैं तो, मेरी हालत देखोगे अभी कैसी हालत है, मैं दिखाती हूँ वॉशरूम में जाके सेट कर। मैंने बोला हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। मेरे भाई ने बोला था तुम वकील लग रही हो, अब जॉनी डेप और एम्बर अलर्ट का केस लड़ने जा रहे हैं। बाय बाय बाय। प्रोजेक्टर काम नहीं किया और हमने प्रेजेंटेशन नहीं दी, इंट्रो दे दिया मैंने अपना दिल खुश करने के लिए, वो मैं डाल दूंगी इधर, बट हमारा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। क्या हो रहा है आज, आज पूरा दिन खराब जाएगा शायद मेरा। यार क्या कर रही हो यार। बुरा लगता है भाई। कोई ऐसी चीज़ है जो इसको नहीं आता, सब कुछ बजा लेती है, इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, तो इसको स्पॉन्सर करो। खैर हमारे दिन की शुरुआत ख़राब हुई थी तो हम अभी अपना दिन बनाएंगे थोड़ा सा। रुको जरा, सबर करो। और आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाई दे, चलिए मुन्नी के गाल बजा भी दे, जरा भी जान ना भी रे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। रहने तो बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इतना मोर किया, वाओ ग्रेट।
चल रहे हैं। एक लास्ट सब्जेक्ट रहता था जिसके मार्क्स हमें नहीं पता थे। पहले मुझे लगा था मुश्किल से सबके 8-9 मार्क्स आएंगे, मेरे भी, बट इनके अच्छे मार्क्स आए हैं तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। देखते हैं कितने आते हैं। ये लो अरीबा के भी 16 हैं तो मेरे तो 10-12 आ ही जाएंगे। जो नहीं पढ़ते उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो पढ़ते हैं उनके कम आ रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। बारी आने वाली है। यस सर, ज़्यादा आ गए, 16 आ गए मेरे एक्सपेक्टेशन से। लगा 10-11 होंगे बट 16 बहुत है माशाल्लाह इस बार के हिसाब से, तो मैंने नहीं पढ़ा था इतना। हमारे साथ सीन हो रहा है, पिछली क्लास हमारी एक सर ने ली थी, उन्होंने हमें क्लास से निकाल दिया था क्योंकि वो लैब में एसी लगा हुआ है, उन्होंने हमें दूसरे क्लास में भेज दिया था। इस बार फिर उन्होंने यही किया, पिछली बार खैर मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता क्या सीन था, मैं बात नहीं कर पाई। इस बार मैंने बोला भाई मैंने नहीं होने देना ये बात। मुझे पता है सबसे ज़्यादा खटकी कौन सी बात, मुझे सबसे ज़्यादा खटकी ये बात कि वो जो हमारे विजिटिंग टीचर हैं हमारे खुद के, उन्होंने बोला है, मतलब उन्होंने हमें एक बार बोला था कि वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अगर जानते हैं किसी को तो वो सर है बस, और उसके अलावा लाइक किसी को भी नहीं जानते। खैर सीन ये हुआ कि वही टीचर ने ही उन्हें लाइक निकाल दिया क्लास से, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइस मैं ऐसे बनियान के साथ पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रही थी, सबसे ऐसे ही घूम रही है। कोई बात नहीं यार, बनियान ही है। ओके मुझे एक बात बताओ, लड़के का बनियान दिखता है तो हम कभी उसको नहीं बोलते यार तुम्हारा बनियान दिख रहा है, बट जब लड़की का बनियान दिखता है तो हम उसको क्यों बोलते हैं कि यार तुम्हारा बनियान, लाइक व्हाई इज इट बिग डील कि अगर किसी लड़का का बनियान दिखे। लेकिन ज़्यादा बात ये कट की थी कि हमारे जो सर हैं वो विजिटिंग पे हैं जो हमारी क्लास के लिए, और जो दूसरे सर हैं वो परमानेंट हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं ऑफिस में ठंड में एसी में, और हमारे जो सर हैं वो बेचारे गर्मी से आते हैं। मतलब आप, एक तो मेरे सर ने मुझे कहा था, मतलब हम सबको कहा था कि वो फ्रेंड है, तो लाइक आप अपने फ्रेंड को, मैं होती तो मैं अपनी क्लास दे देती कि आप इतनी गर्मी से आ रहे हो आप क्लास ले लो प्लीज़ ठंड में, बट उन्होंने लाइक वो निकाल देते हैं लाइक फॉर सम सेल्फिश रीज़न। ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रोजेक्टर की नीड है, अगर प्रोजेक्टर की नीड होती या कोई और इशू होता तो हम खुद उन्हें क्लास दे देते, कोई बात नहीं, बट किसी सेल्फिश रीज़न के लिए सिर्फ इसलिए कि आपको गर्मी लगती है और आप गर्मी में क्लास नहीं ले सकते, तो वो जो गर्मी में आता है वो अच्छा ही है। मतलब आपके फ्रेंड है यार, एटलीस्ट ये सोच के ही आप थोड़ा सा उन्हें, अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं आप हर क्लास से उनको निकाल दें। ये दूसरी बात है, खैरा बात हो गई है। मुझे पता है आप मर रहे हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया यार, पहले मेरी हालत इग्नोर करो, मैं नहाने जा रही हूँ अभी। मैं एक्सपीरियंस बताने लगी थी मूवी का, बहुत अच्छा था, लाइक अच्छा था, बट क्या मैं दोबारा कभी जाऊँगी? नहीं, मैं कभी दोबारा नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि सारा टाइम मेरे दिमाग में ये चला था कि मैं रिएक्ट ना करूँ, क्योंकि सब देखेंगे, अजीब लगेगा। घर पर तो मैं आराम से चिल्ला भी सकती हूँ, रिएक्ट भी कर सकती हूँ, बट बाहर जाना वियर्ड लगता है। खैर, तो अच्छा था मूवी अच्छी थी। क्या हुआ, लाइक इमोशनल रोलर कोस्टर था। It was good. I won't say कि बाकी मार्वल मूवीज की तरह मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, बट इट वॉज़ गुड, अच्छी थी, मैं बुरा नहीं कहूँगी। वो मल्टीवर्स के बारे में मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, जान के, यू नो, फन। अभी 8 बज रहा है रात के, मैं इतना लंबा वॉक करके आई हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, तो मैं जाती हूँ नहाने। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय। होप यू गाइस एंजॉयड, पता नहीं व्लॉग क्या था क्या नहीं था, एंजॉय कर लो यार, बाय। चुप हो जाओ, बाय का बच्चा।